हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9, 10, 11, 12 की ईएमसी वर्कशीट नंबर 26 यानी कार्यपत्रक संख्या 26 को, और इस वर्कशीट का थीम रहेगा जोखिम उठाना, टेक रिस्क। ये सेकंड पार्ट है, जोखिम उठाना। हम अपनी लाइफ में जोखिम उठाते हैं। जब आप बोलते हो ना कि भाई देखा जाएगा, या बोलते हो कि चलो कल देखेंगे, टेंशन छोड़, तो ये जो कल देखेंगे भाई देखा जाएगा, ये भी रिस्क होता है। हम रिस्क उठाते हैं कि चलो जो होगा वो उसी वक्त देखेंगे। लेकिन ये जो रिस्क होते हैं, ये डे टू डे रूटीन के हमारे रिस्क होते हैं, हमारी लाइफ को इतना इफ़ेक्ट नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क होते हैं हमारे जीवन में जो हम उठाते हैं या उठाने से पीछे हट जाते हैं। अगर उसको उठा लें तो हो सकता हमारा जीवन बदल जाए, हमारी लाइफ है वो चेंज हो जाती है। और अगर ना उठाएं तो भी हो सकता कि हमारे पास कैश रह जाए। तीन टाइप के लोग होते हैं। एक जो अग्रिम, सबसे आगे खड़े होते हैं, जो आगे खड़े होते हैं वो वही होते हैं जो रिस्क उठाते हैं, जिनको हम लीडर बोलते हैं। लीडर का मतलब पॉलिटिशियन नहीं, लीडर का मतलब जो किसी भी चीज़ में आगे लीड करे होते हैं। दूसरे जो होते हैं, जो रिस्क उठाया किसी ने, लेकिन उन्होंने थोड़ा संतुलित तरीके से रिस्क उठाया। वो टॉप पर तो नहीं जा सकते, लेकिन वो भी अच्छी कंडीशन में होते हैं। तीसरे वो होते हैं जिन्होंने रिस्क की तरफ ध्यान ये दिया कि नेगेटिविटी क्या है, इसके नकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। वो इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो रिस्क उठा नहीं पाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था, डर लग रहा था, तो वो रिस्क नहीं उठा पाए, वो पीछे रह जाते हैं। जो पहले और दूसरी पंक्ति में खड़े हैं उनके लिए ज़िंदगी भर तालियां बजाते रहते हैं और हमेशा बोलते रहते हैं काश ये भी मेरे साथ था, हम ऐसे कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो यहाँ पर जोखिम उठाना कैसे उठाया जाए, क्यों उठाया जाए, ये हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जोखिम उठाना या फिर टेक रिस्क, ये सेकंड पार्ट रहेगा। इसमें वर्कशीट से पहले आपको एक लिंक दिया गया कि वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो लिंक दिया गया है, इस लिंक को ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी, ताकि आप इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को बेहद अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि जोखिम उठाना क्या होता है। जोखिम उठाने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी में रिस्क उठाना है। जोखिम हम हर कार्य में उठाते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा टास्क डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क का मतलब है जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ फ़ायदे अधिक है, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ भीड़ कम है, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर सक्सेस का रेशो कम है, लेकिन जो सक्सेस हमें मिलेगी वो ह्यूज होगी, बड़ी होगी, बम्पर होगी। पिछली बार की वर्कशीट में हमने समझा था कि रिस्क का मतलब है विपरीत परिणाम की संभावनाएं। यह अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि रिस्क का मतलब हो गया जहां पर कई प्रकार की बाधाएं होगी, जहां पर विपरीत परिणाम की संभावनाएं है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, और यदि अनुमानित लाभ है वो रिस्क से अधिक होता है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु इसके लिए हमें रिस्क का सही तरीके से आकलन करना चाहिए। हमारे पास प्लान ए के साथ प्लान बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, 26 अल्फाबेट होते हैं। तो रिस्क का मतलब ये है कि रिस्क के साथ साथ हम परिणाम का आकलन करें, और इसके साथ साथ ये भी देखें कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा। कई बार आप देखते हो बच्चे पढ़ने के लिए, हमारे दिल्ली में भी अच्छा हब बना हुआ एजुकेशन का, कोटा जाते हैं, दूसरी काफ़ी सारी ऐसी जगह जहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। हमें कुछ ऐसे दुखद न्यूज़ भी मिलती है कि सुसाइड कर लिया, या ऐसा परसेंटेज कम हो गया, ऐसा हो गया। तो वहाँ पर जब हम तैयारी करते हैं, मेडिकल लाइन की तैयारी करें, हम सीए की तैयारी करें, सीएस की तैयारी करें, तो वहाँ पर सफलता की संभावनाएं कम होती है। 1-2% बच्चे हैं वो कामयाब हो पाते हैं करीम में से। तो हमारे पास जब बी प्लान नहीं होता तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमेशा हमारे पास बी प्लान होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, टेंशन नहीं रहती। और जब हमारे पास बी सी डी होता है तो हमारा ए सक्सेसफुल होगा, इसकी गारंटी, संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें रिस्क उठाने से पहले आकलन करना चाहिए कि अगर हमारा जो हमने सोचा है अगर वैसा नहीं होगा तो नुकसान क्या हो सकता है, या उसके नकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब विद्यालय आ रहे हैं। 9वीं कक्षा के लिए भी स्कूल है वो रीओपन हो चुके हैं दिल्ली में, और कोविड केसेस है वो काफ़ी कम हो गए। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, केसेस कम हो गए, केसेस कम हो गए, उसका एक बड़ा कारण है इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो गई है। इंडियंस वैसे भी अटर बटर चटर पटर बहुत कुछ खा लेते हैं, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग वैसे ही होती है, डाइजेस्ट ईजिली हो जाता है। और स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की बात करें हम, जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं, तो यहाँ तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई है, उसके कारण हालांकि केसेस कम हो गए हैं लेकिन
अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, स्पष्ट है डर अभी भी बना हुआ है, साथ ही विद्यालय आना भी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आप रिस्क और लाभ की तुलना करते हुए नीचे गई तालिका को भरिए और आप चाहे तो परिवार में या किसी दोस्त से भी मदद ले सकते हो। तो यहाँ पे कोविड की बात की गई, स्कूल ओपन हो गए, कोविड खत्म नहीं हुआ, स्कूल जाना है, तो क्या रिस्क है? तो ऐसा ही हमारा पहला टास्क है, यानी हमारी जो पहली एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, इसके आंसर्स मैंने नीचे भी डिस्कस किए, रिटर्न में भी, ताकि आप आसानी इनको नोट कर पाओ। तो इसमें रिस्क क्या है, पहली चीज आने के रिस्क क्या है, उनकी हम बात करेंगे। तो पहला जो रिस्क है, हम बीमार हो सकते हैं, रिस्क है ना, बीमार हो सकते हैं, कोविड खत्म नहीं हुआ। दूसरा कि हम कोविड संक्रमित भी हो सकते हैं, यानी बीमार हो सकते हैं। एक तो ये कि मामूली आकलन है कि बीमार हुए और हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हम ठीक हो जाएं। दूसरा, अगर इम्यूनिटी ठीक ना हुई तो क्या गारंटी है, ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, रिस्क है ना। तीसरा ये कि अगर हम बीमार होते हैं, फाइनेंशियली लॉस भी है, यानी कि आर्थिक तौर पर नुकसान होगा परिवार को। दूसरा ये भी है कि हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम क्वारंटाइन में रहें, क्योंकि एक या दो मकान होते हैं तो कहाँ पर रहेंगे। और ये भी रिस्क होता है कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी जी हैं, तो वो भी अगर बीमार हो गए तो उनके लिए ज़्यादा खतरा है। तो रिस्क है बीमार होने का, रिस्क है कोरोना पॉजिटिव होने का, रिस्क है घर वाले बीमार ना हो जाएं, रिस्क है हमारा धन समय वो भी नष्ट होगा, घर वालों को फालतू की टेंशन होगी। तो ये रिस्क है, ओके। अब लाभ क्या है, हमारी रिवीजन अच्छे से होगी, हम पीयर ग्रुप से, जो क्लासमेट होते हैं उनसे बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं। पीयर ग्रुप, एक कंट्री है, फिनलैंड है, स्वीडन है, वहाँ पर 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है, 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है स्कूल में। क्यों होता है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि पीयर ग्रुप में हम जितना अच्छा सीख सकते हैं उतना कहीं और से नहीं सीख सकते, टीचर से बेटर पीयर ग्रुप, जो क्लासमेट अगर हमें पढ़ाते हैं समझाते हैं उनके साथ बैठ के, तो ये जो पीयर ग्रुप का डिफरेंस होता है, हम यहाँ पर पीयर ग्रुप से सीखेंगे, अपने क्लासमेट के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, ओके, कॉन्फिडेंस भी आता है। तो यहाँ पर हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, तीसरा ये डाउट्स क्लियर होंगे, अपने क्लासमेट से मिल पाएंगे, हमारी स्टडी बेहतर बन पाएगी, हमारी रूटीन है वो सेट हो पाएगी, ओके। तो ये लाभ है। अगर इसको कम कैसे करें, अब आपको पता है कोरोना से बचने को उपाय क्या है, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, तो इससे हम रिस्क को कम कर सकते हैं और घर जाने से जाने के बाद भी हम सब कुछ अच्छे तरीके से हैंड वगैरह वॉश करें, उसके बाद ही हम एंट्री करें। तो ये पहली एक्टिविटी है कि रिस्क तो होता है, लेकिन रिस्क के फायदे देखिए कि अगर हमें स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है, जो इस ईयर की बात करें, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा, NTSC उनका क्रैक होगा जो 9th-10th में है, या उनके जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बाकी बच्चों से आगे निकल गए अगर उन्होंने कंटिन्यू रखा है। और अब भी ये दौड़ है, 90 डेज़ के आसपास रहते हैं आपके एग्जाम में, 90 डेज़ बहुत होते हैं अगर हम ठीक से तैयारी करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि आपने जाना कि रिस्क और लाभ की तुलना द्वारा आकलन करके रिस्क को कम किया जा सकता है। अगर हमें आकलन करें कि रिस्क है क्या, है क्या, तो उसके बाद उसको रिस्क को भी कम किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। अब अनिश्चितताएं अधिक होती है तो परिणाम विपरीत आने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब रिस्क कब बढ़ता है, जब हमें पता ना हो कि भाई देखा जाएगा, कल देखेंगे, तब कल देखेंगे, देखा जाएगा, जो होगा वो सोचेंगे, तब रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है कि भाई देखा जाएगा तो इसका मतलब देखा जाएगा, हम तुक्का लगाने वाले हैं। तो रिस्क की संभावनाएं कम कर सकते हैं अगर हम प्लानिंग के साथ जाएं, अगर हम योजना बनाएं, अगर हम रिस्क का आकलन करते हैं। तो आओ अब हम अपने करियर से जुड़ी अनिश्चितताओं और संभावनाओं को आकलन करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर अपने एक पसंदीदा, जो आपका फेवरेट करियर है वो चुन लीजिए। तो यहाँ पर फेवरेट करियर की बात करें तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने चुन लिया टीचिंग, शिक्षक बनना आपको, ओके, मुझे बनना, आपको बनना है शिक्षक बनना, ये चुन लिया। अब माता पिता से पूछें कि आपके लिए क्या करियर चुनना चाहते हैं, तो आमतौर पे ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं हमारी फैमिलीज़ में, तो एक टैबू बना हुआ है, एक सोच बनी है कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। तो चलिए सोच लेते हैं कि वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने। अब दोनों करियर को लेकर के बारी बारी से परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। इसका आंसर भी आपको नीचे रिटर्न में मिल जाएगा कि उस करियर में कौन से फ़ायदे निश्चित है और कौन से फ़ायदे संभावित है। तो अगर हम टीचर्स की, हमने टीचर बनने का सोचा, तो उसमें पहला जो निश्चित है कि आत्मसंतुष्टि मिलती है। आत्मसंतुष्टि, जब कोई गरीब परिवार से बच्चा आता है और जब वो बच्चा बेहतर करता है तो उन पेरेंट्स की आंखों में जो चमक होती है वो एक अलग ही होती है, शायद उससे बड़ा संतुष्टि कहीं नहीं हो सकती। जब कोई बच्चा 40% वाला है, वो जब 60% पे पहुंच जाता है, 90 वाला है
वो अगर 100 पे पहुंचता है तो उतनी खुशी नहीं होती, अगर 40 वाला 60 पे पहुंच रहा है या फिर जो बच्चा 20 वाला है वो 60 पा गया, एक अलग सी संतुष्टि होती है। तो यहाँ पर पहला जो फायदा कि आत्मसंतुष्टि होती है, दूसरा ये कि सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, आपस में जो प्यार होता है अनमोल होता है, जब आप बेहतर तरीके से अपनी कार्य को करते हो तो जो प्यार मिलता है बच्चों से मिलता है, उनके अभिभावकों से पेरेंट्स से मिलता है, वो अनमोल होता है, जिसको कोई भी हम मूल्य दे करके भी नहीं चुका सकते। माता पिता द्वारा चुना गया जो कैरियर है उसमें पैसा बहुत है भाई, डॉक्टर बनेगा, पैसा पैसा चारों तरफ से पैसे की बरसात होगी, और संभावना संभावित फायदा ये है कि 7 पीढ़ियों तक पैसा ख़त्म नहीं होगा, यही है ना, आराम नहीं है बिल्कुल भी, समाज सेवा है, संभावित नहीं समाज सेवा है निश्चित तौर पर, और पैसा भी है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखेंगे जो आगे हम रिटर्न में भी डिस्कस करेंगे कि क्या संभावनाएं। अब इसमें एक उस करियर को शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें योग्यताएं क्या है, अगर टीचर बनना है तो आपके पास मास्टर डिग्री उच्च शिक्षा होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जुनून होना जरूरी है, जुनून होना चाहिए, क्योंकि कोई कार्य करने में अगर हमारा जुनून है तो हमें मज़ा आता है, पैसे फ्री के मिलते हैं ना, क्योंकि जो मज़ा आता है उस काम को तो हम वैसे ही कर लेंगे, मजे में करें, और ये जुनून होता ना तब कामयाबी मिलनी निश्चित होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जुनून हो, ओके, और उच्च शिक्षा हो, और हमारे पास वो स्किल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस बनना नहीं, हमारे पास स्किल भी होनी चाहिए। अगर हम डॉक्टर की बात करें जो हमारे पेरेंट्स ने चुना है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी उच्च शिक्षा चाहिए, और क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए, कितना, अगर गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होता तो लगभग 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक पैसा चाहिए। तो यहाँ पर संसाधनों की आवश्यकता है। उस करियर के साथ क्या क्या अनिश्चितताएं, अनिश्चितताओं की बात करें तो यहाँ पर टीचिंग लाइन की बात करें तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है तो प्राइवेट जॉब में पैसा कम है, शोषण अधिक है, कई घंटे काम करवाया जाता है और पैसा शायद उतना अधिक नहीं दिया जाता, और फीमेल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से शोषण होता है कि सैलरीज बहुत कम रह जाती है, मेल और फीमेल की इक्वल नहीं होती। अगर हम यहाँ पर बात की जाए अनिश्चितताएँ क्या है, हमने किसी परिवार ने पूंजी लगा दी अपनी, अगर एडमिशन ना हुआ तो हमें लगता है कि नाव है इधर से उधर डोलेगी, अगर हमने बी प्लान नहीं बनाया है तो अनिश्चितताएँ ये होती है, क्योंकि सीटें कम होती है, हर किसी को कामयाबी नहीं मिल पाती, कंपटीशन बहुत अधिक होता है, इसलिए बी प्लान के साथ हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद उस करियर में कौन से विपरीत परिणाम संभावित है, यहाँ पर अगर बात की जाए विपरीत परिणाम तो यहाँ पर यह कि कम वेतन, पहला कम वेतन है वो संभावित रहता है कि हम उतना अधिक आर्थिक तौर पर नहीं कर पाते टीचिंग लाइन में, अगर गवर्नमेंट जॉब में या फिर हमारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कुछ कर पाएँ। और दूसरा अगर हम बात करें डॉक्टरी लाइन की कि अगर हमारा एडमिशन नहीं हुआ तो हमारे परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और हम भी कई बार उस प्रकार से तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ये विपरीत परिणाम है, संभावित होते हैं, क्योंकि एडमिशन नहीं होना यहीं पे करियर रुक गया ना, क्योंकि सीटें सीमित होती है, बच्चे सारे ही करीब होते हैं, सारे ही आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन सबका एडमिशन नहीं हो पाता। ओके, तो ये अनिश्चितताएं होती है। यहाँ पर हमने आकलन किया कि कैसे रिस्क होता है, कोई भी हम करियर चुने उसमें रिस्क होता है, लेकिन हमें रिस्क कैसे लेते हैं कि उसमें लाभ कितना, ये देखते हैं। यहाँ पे दो और प्रश्न दिए गए, किन सवालों पर बात करके आपको अपने चुने हुए करियर में रिस्क लेने के बारे में क्या लग रहा है, कि आपकी पसंदीदा है, आप टीचर बनना चाहते हो, पसंद का है, जुनून है, जोश है, तो संभावनाएं अधिक है कामयाब होने की, रिस्क लेना चाहिए जहाँ पे जुनून हो, क्योंकि यहाँ पे जुनून की बात आ रही है, सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर फायदे देख रहे हैं, जुनून हो वहाँ पर कामयाबी मिलने की संभावनाएं अधिक होती है। ओके, दूसरा है कि यदि आपको लगने लगे किसी महत्वपूर्ण को काम करने में रिस्क ज़्यादा तो आप क्या करेंगे, कि अगर किसी महत्वपूर्ण काम को करने में रिस्क ज़्यादा है तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम योजना बनाएंगे और इसका आकलन करेंगे ताकि रिस्क को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए जैसे आपको सीए बनना है, रिजल्ट जो रहता है 1.25% या ऐसे कुछ रिजल्ट रहता है, क्या किया जाए, हम प्लानिंग करेंगे कि अगर सीए नहीं बन पाए तो हम दूसरा क्या ऑप्शन हमारे पास रहेगा। ओके, और हम मेहनत भी खूब दब कर करेंगे। तो यहाँ पर हमने समझा कुछ एक्सरसाइज के थ्रू कि रिस्क लेना चाहिए हमें, लेकिन उसका आकलन किया जाना, प्लानिंग की जानी, योजना बनाना आवश्यक होता है। तो हमें रिस्क का लेने का मतलब है कि अनिश्चितताओं से डरना नहीं है, फायदे और नुकसान की संभावनाओं को समान भाव से तोलते हुए हम आगे बढ़ना है और क्षमता को विकसित करना है ताकि हम रिस्क है उससे पार जा सकें, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहीं पे अवसर है। अगर हमें टॉप पर पहुँचना है, चोटी पर पहुँचना है, लीडर बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर ले लिया पार हो गए
मतलब हमारी नहीं हमारे परिवार की जिंदगी है वो बदल जाती है। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर की गतिविधि की बात करेंगे, जो हमें गतिविधि दी गई थी। यहाँ पे देखिए कि विद्यालय आने के रिस्क क्या है, जो पहली गतिविधि हमें लिखना है कि हम बीमार हो सकते हैं, COVID-19 का संक्रमण फैल सकता है, हमारे बीमार होने से हमारे जो घर वाले हैं वो भी बीमार हो सकते हैं, तो ये रिस्क है। ओके, अब लाभ क्या है, जो उस तालिका में हमें लिखना है कि विद्यालय आने के कई सारे लाभ हैं। हम अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे, एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्लासमेट्स और टीचर्स से अपने प्रश्न यानी कि डाउट पूछ पाएंगे, तो ये लाभ है। अब इस रिस्क को कम कैसे किया जाए, तो कम करने के लिए क्या करना है, हमें प्लानिंग बनानी है। ओके, जैसे रिस्क को कम करने के लिए जरूरी है कि मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें। तो इस तरीके से हम प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से रिस्क को कम भी कर सकते हैं, अगर हम आकलन करें। दूसरी जो गतिविधि दी गई है, हमें खुद का करियर और पेरेंट्स के द्वारा चुना गया करियर है वो देखना है। तो हमारा खुद का करियर जो रहेगा वो है शिक्षक बनना, और पेरेंट्स ने हमें हमारे लिए चुना डॉक्टर बनना। तो कौन से करियर में ज़्यादा फायदे हैं और कौन से में क्या फ़ायदे संभावित है, तो शिक्षक की बात करें तो निश्चित फायदा है, खुद को आत्मसंतुष्टि मिलती है जब बच्चों को टीच करते हैं, तो एक अलग ही संतुष्टि फीलिंग आती है। और संभावित ये होता है कि समाज में प्रतिष्ठा भी बनेगी अगर हम बेहतर तरीके से अपने कार्य को कर पाए। डॉक्टर में अगर हम संभावित निश्चित फायदे की बात करें, अच्छा वेतन मिलेगा, संभावित है परिवार के लिए 4 पैसे जोड़ लेंगे, निश्चित फायदे में ये भी है कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। उसके बाद बी जो नेक्स्ट है कि उस करियर को शुरू करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी कि दोनों के बताने, तो शिक्षक में उच्च शिक्षा होनी चाहिए, विषय पर पकड़ होनी चाहिए और जुनून होना चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए उच्च शिक्षा के साथ साथ आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है कि पैसा भी होना चाहिए बैकअप में अगर गवर्नमेंट हमारा एडमिशन नहीं हो पाता है सीट में, तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। उसके बाद है कि उस करियर के साथ क्या क्या अनिश्चितताएँ जुड़ी हुई है, तो दोनों की हमें बात करनी है। तो शिक्षक की बात करें तो इसमें समाज में कई बार उतना सम्मान नहीं मिल पाता, जो मिलना भी इतना आसान नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में वेतन कम और शोषण अधिक होता है। डॉक्टर की बात करें तो बहुत अधिक कंपटीशन है, धन की आवश्यकता है, फिर भी सफलता की गारंटी नहीं होती, तो ये अनिश्चितताएं होती है। अब यहाँ पर बात है कि विपरीत परिणाम कौन से संभावित है, तो यहाँ पे विपरीत परिणाम जो संभावित है, कम वेतन, शिक्षक अगर हम बनना चाहते हैं, डॉक्टर अगर बनना चाहते हैं, तो कंपटीशन अधिक होने के कारण एडमिशन ना हो पाना, प्राइवेट कॉलेजेस की अधिक फीस, ये इस प्रकार के विपरीत परिणाम है जिनकी संभावनाएं रहती है, यानी कि ये रिस्क कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि आपको अपने चुने हुए करियर में रिस्क लेने के बारे में क्या लग रहा है, तो क्योंकि मेरा चुनाव का जो करियर है वो मेरी पसंद का है, मेरा जुनून भी है, इसलिए इसमें सफलता मिलने के अवसर अधिक है, तो मैं रिस्क लेना पसंद करूँगा। क्योंकि जब हम जुनून की बात करते हैं, अपने पसंद का कोई कार्य करते हैं, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि हमें सफलता मिलेगी। उसके बाद दिया गया कि यदि आपको लगने लगे कि किसी महत्वपूर्ण जो कार्य है उसको करने में रिस्क ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे। उदाहरण देके समझाइए कि यदि मेरे चुने हुए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में रिस्क ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर फायदे भी अधिक होंगे। रिस्क अधिक है तो फायदे निश्चित तौर पर अधिक होंगे। मैं योजनाबद्ध तरीके से और पूरे जुनून के साथ कार्य करूँगा ताकि रिस्क कम हो सके और सफलता के अवसर है वो बढ़ सके। जैसे उदाहरण देंगे कि CA बनना है, तो इस परीक्षा का परिणाम 2% से कम रहता है, फिर भी मैं मेहनत करूंगा और इसको कम करने के लिए वैकल्पिक अवसरों को भी ध्यान में रखूंगा कि अगर ये नहीं तो फिर क्या होगा। तो ये थी हमारी आज की EMC की वर्कशीट नंबर 26। ऐसे ही आपके बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ऐसा ही एक एपिसोड हमने पिछले दिनों पब्लिश किया, हाउ टू डील विद डीमोटिवेशन। अपनी लाइफ में या जब हम बोर्ड एग्जाम के पास जाते हैं, डीमोटिवेट फील होने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि 95% का हमारा टारगेट हमसे नहीं हो पाएगा, हमें लगता है हम पीछे रह गए, हमें लगता है हम सब कुछ भूल रहे हैं, हमें लगता है हमें याद नहीं हो पा रहा, हमें लगता है हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा जो डीमोटिवेशन आता है, किसके, टॉपर्स के मन में भी आता है जब एग्जाम पास में आते हैं, तो उस ऐसे डीमोटिवेशन से कैसे डील करें, कैसे हम उसका सामना करें, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल में जाइए, वहाँ पर इस टाइप की बहुत सारी वीडियो है जो आपके काम की होगी, मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।